कक्षा 12 इतिहास, जी हाँ अभी अभी ये पेपर वायरल हो चुका है। अगर आपको 80 में से 80 मार्क्स चाहिए तो ये पूरा पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। संपूर्ण सॉल्यूशन की PDF बताई जाएगी कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले ये पूरा पेपर देख लीजिए, अभी अभी ये पेपर वायरल हुआ है। सो इतिहास के जितने भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उन तक इस पेपर को जल्दी से शेयर कर दो ताकि सभी की हेल्प हो जाएगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश आपके रहेंगे, इनको रीड करना पड़ेगा। समय 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक 80 रहेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प चुन करके लिखना है, एक एक नंबर के साथ सही विकल्प रहने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे 700 सही विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सॉल्यूशन अभी मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, एक एक नंबर के साथ रिक्त स्थान रहेंगे, 6 यहाँ पे दिए गए हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 7 बार रिक्त स्थान दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 3 रहने वाला है आपका एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 रहेगा सही जोड़ियाँ, तो कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियाँ आने वाली हैं, एक एक नंबर की 6 सही जोड़ी पूछी जाएंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य असत्य हमें पहचानना है, एक एक नंबर के 6 रहेंगे, कुछ इस प्रकार से 6 सत्य दिए गए हैं, इनका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना। प्रश्न क्रमांक 6 में चाणक्य कौन थे संक्षेप में समझाना है, अथवा में महाभारत का एक ऐतिहासिक महत्व आपको समझाना है। 7वां है महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन क्यों कहा जाता। 8वां है जनपद शब्द के अभिप्राय को आपको स्पष्ट करना है। 9वां है महाभारत का ऐतिहासिक महत्व बताना है। देखिए यहाँ पे 10वां है हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति कितने मार्ग हैं और कौन कौन से हैं समझाना है। अकरनामा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है, ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है। 11वां है अशोक के धर्म की महापात्रों की किस उद्देश्य से की गई थी नियुक्ति। इसके बाद जातक ग्रंथों से आप क्या समझते हैं। मुगल काल में अपनाए जाने वाले सिंचाई के कृत्रिम साधन कौन कौन से थे। महात्मा बुद्ध की कोई 2 शिक्षाओं के बारे में आपको बताना है, 2 अंक का रहेगा। इसके बाद भक्ति आंदोलन के किन्हीं 4 संतों के नाम आपको लिखने हैं, 2 अंक का रहेगा। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अंतर, 3 अंक का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अंतर। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार मौर्य साम्राज्य स्थापित किया, ये भी 3 अंक का रहेगा। तो यहाँ पे 16वां से आपके 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 18वां देख लीजिए जाति पंचायत वाला, अथवा में है इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों को स्पष्ट करना है। 19वां देख लीजिए क्या वह संभव है कि महाभारत एक ही चलचित्र के रचयिता थे, 3 अंक का रहेगा। 20वां से यहाँ पे 4 अंक स्टार्ट हो जाएंगे, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण आपको विवेचना करनी है। 21वां देख लीजिए ये भी 4 का रहेगा। 22वां सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन, 22वां का अथवा देख लीजिए ये भी आपका 4 का। और लास्ट आपका 23वां जो कि मानचित्र इसमें पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक पूरा पेपर बनेगा। चलिए आप देख लेते हैं इसकी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की PDF को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा studynotespj.com। गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे studynotespj.com, कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा, नीचे आपको आना है, यहाँ पे देखिएगा आपको MP बोर्ड पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप MP बोर्ड पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, नीचे जैसे ही आएंगे आप देखिए सभी जो क्लासे हैं सभी के सॉल्यूशन डल चुके हैं। देखिए 9th, 10th, 11th, 12th, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th की PDF डाउनलोड करके। यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, फिर एक ऐड आ जाएगी, इसको आपको करना पड़ेगा इस प्रकार से क्लोज, फिर नीचे आना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे ये पेपर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, संपूर्ण पेपर भी आपको दिखाया गया है। फिर सबसे नीचे आप जाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया गया है पेपर की PDF डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको संपूर्ण PDF सॉल्यूशन के साथ दिख जाएगी। देख लीजिए आप क्लास 9th की संपूर्ण PDF सॉल्यूशन के साथ दी गई है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना है, देखिएगा इसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना है। कुछ इस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही दी जाती है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है।